अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि मशीन के साथ रफू किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि सुई धागे के साथ अगर आप रफू करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कभी कभार कपड़े में कट लग जाता है या फट जाता है और आपका नया ड्रेस होता है तो फिर आप उसको रफू कर सकते हैं। जैसे ये मेरी नई शर्ट है, इसको सीते हुए मेरे से इसमें कट लग गया था, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मशीन से देखिए मैंने इसको रफू किया है और ये करीब से जो है महसूस होता है। अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आप उसको दूर रखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें रफू हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि ये रफू किस तरीके से किया जाता है, कि अगर आपका नया ड्रेस ख़राब हो जाए तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते। चलें तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। रफू करने के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है, इस पर मैं आपको सिखाऊंगी। ये कपड़े पर मैंने पहले से कट लगा के रख लिया है, कैंची के साथ मैंने इसको कट लगा लिया। अब इसके ऊपर ये मैं बुकरम चिपका दूंगी। ये मर्दों के जो कपड़ों में बुकरम यूज़ होती है, वो वाली बुकरम है। इसको मैं कपड़े की बैक साइड पे चिपका दूंगी इस तरीके से, जहाँ पर कट लगा हुआ है। मैं इसको आयरन करके दिखाती हूँ आपको। कपड़े की बैक साइड पे मैंने बुकरम को चिपका दिया है। आपने बुकरम को बैक साइड पे रख के ऊपर आयरन करना है। ऐसे आयरन ऊपर से यहाँ से नहीं करना, फ्रंट साइड से आयरन नहीं करना, बैक साइड से ही आयरन करना है। जहाँ पर कट लगा हुआ है वहाँ पे रखेंगे और उसके ऊपर हम आयरन रखेंगे, ठीक है। अब इसको जब हमने चिपका लिया है मशीन में, बिल्कुल इसके साथ का धागा आप डाल। जब हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं तो हम ऐसे पाँव को नीचे कर देते हैं, लेकिन इस केस में हमने पाँव को पूरा नीचे नहीं करना, बस हल्का सामने इसको उठा के रखना है। पूरा ऊपर भी नहीं करना है इसको, बस हल्का सामने इसको उठा के रखना है। और जहाँ पे कट है वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। ये आप देख लें, रफू हो चुका है। इसको मैं अब कट कर दूंगी। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, मैं लेकिन इसकी एक्स्ट्रा बुकरम जो है उतार दूंगी। ये आपकी मर्जी है, आप उतारें या ना उतारें। ये आप देख रहे हैं मैंने एक्स्ट्रा बुकरम सारी उतार दी है। अब इसको मैं आयरन करके आपको दिखाती हूँ। और ये मैं बहुत करीब से आपको दिखा रही हूँ, इसलिए इतना महसूस हो रहा है। जब कोई दूर से देखेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि रफू हुआ है। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।